पावन तट जहाँ पे छठ पूजा की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है और आज यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी और यहीं से आज ये छठ पर्व का निर्जला व्रत भी शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, गोमती नदी के पानी का जो गुणवत्ता है वो बहुत ख़राब हो चुकी है और बीते 24 घंटे में ये पूरा पानी का रंग बदल गया है, वो बिल्कुल काला हो गया है और पानी में बदबू भी आ रही है। वहीं अब ये लोगों को चिंता सता रही है कि कैसे इस गंदे पानी में छठ की पूजा होगी। हरमेंद्र सिंह, ईटीवी भारत, जौनपुर। क्या शुभ नाम आपका? उमेश। उमेश जी, घाटों की सफाई करा रहे हैं आप छठ को देखते हुए, क्या व्यवस्था है? व्यवस्था दिव्य व्यवस्था है, यहाँ की साफ़ सफाई एक नंबर की साफ़ सफाई चल रहा, पूरे घाट के इर्द गिर्द की जो भी मोहल्ले हैं सफाई एक नंबर की चल रही सर। लेकिन थोड़ा सा कष्ट इस बात का है कि अभी दो दिन पहले ये गोमती नदी का पानी जो है इतना साफ सुथरा पानी था कि जो नहीं नहाने वाला था जाड़े के समय में वो भी नहा ले, लेकिन आज की डेट में इतना गंदा पानी आना शुरू हो गया इस नदी के अंदर कि लोग उसमें नहाना क्या, उसमें लोग मजबूरी है कि लोग बगल के वाले लोग जाए कहाँ जाए, इतना गंदा पानी, मतलब पूजा करने भी मजबूरी है। मजबूरी है ये, इसको बहता पानी शुद्ध मान रहा है, लेकिन अगर उठा के इसकी जांच की जाए पैथोलॉजी में अभी पता चल जाएगा इसमें कि कितनी बैक्टीरिया कितनी गंदगी है। ये कहाँ से आ रही गंदगी है? अब ये जिधर से पानी बहता हुआ आ रहा लखनऊ साइड से, ये पता चला जाए कि कहाँ से ये किस फैक्ट्री का पानी इसमें गंदा छोड़ा गया। यहाँ तक तो जहाँ तक हम लोग अपनी निगाह जहाँ तक प्रयास करते हैं वहाँ तक तो हम लोग का प्रयास जारी है और आगे भी जारी रहेगा। अब उसको देखते हैं कि गंदी है कि नहीं है इस समय। भाई गंदगी है, पानी में अब थोड़ा सा गंदगी है, उसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं, सरकार से भी चाहते हैं कि इस पर कुछ विशेष ध्यान दे।